और नारायण सागर हरि की बहन सोनकली से हमारे सहयोगी हिमांशु ने बात की है, सुनिए ये बातचीत। इस वक्त हम कासगंज में मौजूद हैं और आपको बता दें हमारे साथ बाबा भोले की बड़ी बहन सोनकली है, सीधे बातचीत करते हैं। माता जी, भाई से आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई थी? अब मुझे इतना ध्यान ना। कब आए थे वो यहाँ पे जब आप लोग से मुलाकात हुई, परिवार के साथ बैठे? 15 साल है। भाई से बात आत होती है फोन पे? मो सना होती बेटा। अच्छा, मो सना होती, मैं झूठ साथ क्यों बोलो। और आप लोग कितने साल तक साथ में रहे हैं, जब वो नौकरी में भी थे पुलिस की, उसके बाद फिर उनका आध्यात्मिक तरफ रुख हुआ? तो रहे जब तक समय शादी ना है भाई, तो संग ही रहे। बहन भाई ये सब रहता तैसा हमारा है। तो फिर पढ़े लिखे भी नहीं, नौकरी लग गई, नौकरी बाहर रहे। हाँ, पुलिस की नौकरी लगी थी? पुलिस की नौकरी लगी, फिर सीआईडी इंस्पेक्टर हो गए। हाँ, फिर मैंने भाई सका की कोई परापत भाई, तो मैंने रजान ले रही। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद क्या शुरू से ही अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ उनका रुझान था? मेरा को ध्यान ऐसे शुरू से ही रहो। और हमारे परिवार में हमारे बाप ऐसे ही है, हमारे बाबा ऐसे ही, सब संत भगत आए और सब इन्हें ऊपर सकाती भगत भी आ गई, सिद्धि आ गई। जैसे कहते हैं सिद्धि है, बाबा की वाणी में चमत्कार है, लोगों का भला होता है। तो भलो ना हो तो जो दुनिया संसार क्यों धावते, दुनिया पब्लिक क्यों जुटते, भलो ही हो तो होगा। मैंने मेरा फायदा कोई का जाएगा? हाँ, भलो हो तो तभी तो जाता है। तो सिद्धि भी करते थे, साधना भी करते थे? तो जब तक पढ़े लिखे और रहे जहाँ, तब तक मैंने मेहनत खूब करी, हर चलाओ खेत हार में काम वो करो। जब नौकरी लग गई था तो बात तो भैया ना हमारा है जहाँ, और वे बाहर रहे हूँ अपने घर पे रहे। तो आपने अपने भाई के सत्संग में कभी हिस्सा लिया, उनके साथ बैठे सुना किस तरीके की वाणी रहती है, चमत्कारी वाणी जिसको लोग सुनने आते हैं दूर दूर से? वाणी रहते है, माता का अच्छी शिक्षा देता है, अनेकता में एकता रखो, भैयाचारो रखो, अहंकार घमंड को त्याग करो, है बेटी को बेटी समझो, माँ को माँ समझो, बहन को बहन समझो, किसी से गलत निगाह मत डालो। अच्छी बात है बताता है, और तुम मानो तो तुम्हारी मर्जी, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा, लोगों में आस्था बहुत है उनके प्रति? हाँ, आस्था बहुत है। हाँ, तभी तो वे हॉस्पिटल में सुनता डरे सो मर गए, सो तो बुराई ना कर रहे प्रभु की, भाई तभी बुराई ना कर रहे। और जी यहाँ के गांव के तो ना कर रहे, हमारे जान गांव के तो बुराई कर रहे। तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ, बाबा भोले का पूरा सत्संग खत्म हुआ, फिर सब लोग गए, भगदड़ मच गई, 121 लोग मर गए, आपको जानकारी? हाँ, तो हम गए तो है ना सत्संग में, हमने सुनी है कि प्रभु को सत्संग समाप्त करके और चल रहे चले, तो जो लोग पीछे भगदड़ मचाई ना, तो पीछे को देखा तो ये का हो रहा हुआ, मेरा भी तो कोई कमी नहीं है ना, कोई कसूर ना प्रभु को। जैसे कह रहे हैं वहाँ पे, मतलब जो लोग हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं रही, भगदड़ मच गई। हाँ, भगदड़ मच गई, जो ना भजे उतने गुस्से पे, और जो भगदड़ मचाई सोई तो मारे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है कार्रवाई उचित है? कार्रवाई उचित है, करना होना चाहिए, क्यों प्रभु की कोई दोष ना। और परिवार को खेचता तो परिवार वालों का दोष हो, कोई परिवार को बहाना है, प्रभु बहाना है नहीं, ये तो बाद में हादसा भाव है, तो क्यों क्यों भैया करी जाए। आप क्या कहना चाहती है इस पे, जो हादसा हुआ फिर तरीके की जो चीजें चल रही है? चलती है तो वे चलती रहे, कसूर का छुना। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि प्रभु को जो है, उनको लोग प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तमाम लोगों में आस्था है, उन नामों से बुलाते हैं, तो जब बुलाता है तब ही जाता है, बिना बुलाए तो जाता ना। महीने छः महीना भजता है प्रभु हमारे यहाँ चरण डाल दो। हाँ, तब भी मैंने इंतजाम करता है, भी करवाता है, तब जाता है प्रभु का, बिना परमिशन के कहीं नहीं जाते। तो आपने सुने कभी उनके वचन? हाँ सुने, हम बताए दी तुम्हें। हाँ, विजय कहता है अनेकता में एकता रखो, भैयाचारो रखो, प्रेम बहार से रहो। हाँ, बेटी को बेटी समझो, माँ को माँ समझो, बहन को बहन समझो,
गलत निगाह भंडार सब बात है अच्छी बता। जैसे माता जी ये कहा जा रहा है कि अब प्रभु को सामने आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, तो आपको लगता है ये उचित है? ये घटना हो गई इतनी बड़ी तो उसके बाद उचित है सही है कि कोई काम आवे तो हमारा बिगाड़ दे, हमें मार डालो, जो हमारे सब ठाड़े तुम्हें छोड़ देंगे ना छोड़ेंगे तो कैसे सामने कैसे बैठे कैसे बात करें आज। हालांकि गुस्सा हराम होते है और पहले मेरे को कसूर है ही ना है। हाँ दोषी बनाओ भले फिर लेकिन दोषी ना है। हाँ मतलब गांव के लोग जो है दोषी नहीं मानते क्योंकि महाराज जी का वो जो है कार्यक्रम खत्म हो गया उसके बाद ये हुआ। हाँ सभी गांव के सभी लोग हाँ दोषी ना है बिल्कुल बात हम सत्य बता रहे झूठ ना बोलते। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे अब हम क्या कहेंगे सरकार से जे तुम्हें पेश कर दी सरकार हम क्या आप क्या अपनी बात रखना चाहती हैं कि अब उनको तो ये है कि वो आए अपनी बात रखें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी तफ्तीश हो जांच होगी तो जाते तो चल रही हैं जाते तो ही रही हैं भैया हम का कैसे रखें कत्तो बुराई जू तो जाके वो बापा कत्तो जान हम पे गुंडागर्दी कत्तो प्रभु ने गुंडागर्दी से रोको तो झगड़ा भाओ एक बाप से और 15 साल प्रधान कर ली हाँ भाई प्रधान खड़े भाई जेऊ भाओ जब बाप भाव रखवाल तो वहाँ पर झगड़ा भाओ बहुत और जू जहाँ पर निरे तो केस आए जान बुराई करी मनकुआ कहता ना तो कुछ और हुआ मेरे को उनकी बात नहीं करते हम लोग बात तो सत्य बात तो जाइए जब तो बात दुनिया में फैल गई है। हाँ। है कैसा ना बात जो खुद गंडा गुंडा छिनरा सो प्रभु को गुंडा छिनरा बता तो देने आरोप लगाओ तू है। हाँ, आरोप लगाए। हाँ तो पहली बात तो यही है खुद गुंडा है गुंडा छिनरा हो बिना गुंडा छिनरा बताओ तू। अब जैसे लोग कह रहे हैं सभी लोग कि अब महाराज जी को सामने आना चाहिए प्रभु को सामने आना चाहिए अपनी बात रखें 121 लोग उन्हीं का सत्संग सुनने गए थे उसके बाद घटना हो गई तो एक बार हालचाल ले लेना चाहिए जानता ही नहीं तो आपको लगता है कि बात करनी चाहिए उनको अपना कोई मैसेज संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो उनको सुनने आते हैं टाइम से सबक सुनेंगे देखेंगे विकास बिना देखेंगे। ठीक है तो ये हमारे साथ जो भोले बाबा हैं उनकी बहन है और ये हमारे सुजान है बेजान है हम कहा जाने लगा कह सकता हम कहा कह सकता। तो जाहिर तौर पे देखिए ये भोले बाबा की बड़ी बहन है अपनी तमाम बातें रखी हैं न्यूज 18 के प्लेटफॉर्म पे।